निवास स्थान। मुझे नहीं लगता कि यह एक ऐसा प्रयोग है जिसकी मुझे परवाह करनी चाहिए। कोशिश करें जब तक कि आत्मा और मांस के साथ कर्तव्य करना भी फीका न पड़ जाए। यह कोई दिलचस्प समस्या नहीं होगी। मुझे बल्कि टूटी हुई मशीनरी के साथ प्रयोग करने का आनंद उठाएं। पानी की तीव्र भयंकर गर्जना अचानक वेंगल पर पड़ी। कान लगाया और उसकी स्मृतियों की जांच की। वह लकड़ी छोड़कर चल दिया विशाल फिसलन वाले पत्थरों पर जो नदी को लगभग बंद कर देते हैं। इस बिंदु पर घाट और पानी को उबलता हुआ देखा। अपनी उग्र अथक ऊर्जा के साथ संकीर्ण मार्ग काला दोनों तरफ जंगल का शांत वातावरण ऊंचा उठ गया। तारे लग रहे थे ऊपर से अधिक ठंडा और सफेद। दोनों तरफ परिप्रेक्ष्य नदी का प्रवाह किरणहीन गुफा में चला गया होगा। वहां नहीं था इंग्लैंड में एकाकी स्थान, न ही ऐसा स्थान जिस पर दावा करने का अधिकार था। अगर भूत होते तो इतने सारे भूत वीगल काय नहीं था। लेकिन उसे असहजता से याद आया उन लोगों की कहानियां जिन्हें स्ट्रेड में मौत के घाट उतार दिया गया था। एस्टरिस्क शब्द वध के बोरे ऑफ एग्रीमोंड को अभ्यास द्वारा निपटा दिया गया था कई विटेकर। लेकिन अनगिनत अन्य उससे भी अधिक साहसी बुद्धिमान उस संकीर्ण उबलते रास्ते में चला गया था। कभी नहीं कुछ गज की दूरी पर शांत तालाब में दिखाई देते हैं। महान के नीचे ऐसा माना जाता है कि स्ट्रिट की दीवारें बनाने वाली चट्टाने हैं। प्राकृतिक तिजोरी जिसकी अलमारियों पर मृतकों को खींचा जाता था। स्पॉट में एक बदसूरत आकर्षण था। वेगल खड़ा था, कंकाल देख रहा था। टन बिना ताबूत वाला और हरा बिना आंखों वाली चीजों का घर जिसने वह सब निगल लिया था जो ढका हुआ था और उस खड़खड़ाहट से भर गया था मनुष्य की मृत्यु का प्रतीक। फिर सोच में पड़ गया कि क्या कोई है हाल ही में स्ट्रेट को छलांग लगाने का प्रयास किया था। उससे ढका हुआ था कीचड़। उसने इसे इतना विश्वासघाती कभी नहीं देखा था। वह कांप गया और पीछे हट गया। अपने पुरुषत्व के बावजूद प्रेरित हुआ हो मौके से भागने के लिए। जैसे ही उसने ऐसा किया कुछ उछला। पत्थर के नीचे झाग सफेद जैसा कुछ, फिर भी स्वतंत्र। इसने उसकी आंख को पकड़ लिया और उसके कदम को रोक दिया। फिर उसने देखा कि यह तेजी से बहते पानी की विपरीत गति का वर्णन कर रहा था। एक ऊपरवार्ड बैकवर्ड मोशन। वीगल कठोर बेदम खड़ा था। वह प्रशंसक उसने अपने बालों के चटकने की आवाज सुनी। क्या वह कोई हाथ था? यह उबलते हुए झाग के ऊपर खुद को और भी ऊपर धकेले। बगल की ओर मुड़े बुद्धिमान और चार उन्मत्त उंगलियां स्पष्ट रूप से इसके विपरीत दिखाई दे रही थी। पर एक काली चट्टान। वीगल के अंधविश्वासी आतंक ने उसे छोड़ दिया। एक आदमी वहां था, स्ट्रिट के नीचे के सेक्शन से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है निस्संदेह। लेकिन उसके आगमन से एक क्षण पहले नीचे बह गया। ऐसा हुआ जैसे वह धारा की ओर पीट करके खड़ा था। उसने जितना साहस किया उतना किनारे के करीब कदम रखा। हाथ दो ऐसा लहूलुहान हो गया मानो किसी को अपमानित किया जा रहा हो। उसके सामने बेरहमी से कांप रहा हो वह शक्ति जो अपने प्राणियों को अपरिवर्तनीय कानून पर छोड़ देती है। फिर फैल गया, फिर से चौड़ा जकड़ना, विस्तार करना, मदद के लिए जोर से चिल्लाना मानव आवाज। बेंगल निकटतम पेड़ से टकराया, घसीटा गया और मुड़ गया। अपनी मजबूत भुजाओं के साथ शाखा लगाए और उतनी ही तेजी से वापस लौट आया स्ट्रेट। हाथ उसी जगह पर था, अभी भी इशारे कर रहा था बेतहाशा। निस्संदेह शव नीचे चट्टानों में फंसा हुआ था, शायद पहले से ही उन भयानक अलमारियों में से एक के आधे रास्ते पर। वेंगल ने खुद को एक निचली चट्टान पर गिरा दिया, अपने कंधे को सहारा दिया उसके बगल के द्रव्यमान के विरुद्ध डेर,
फिर उस पर झुकना पानी शाखा को हाथ में थपथपाओ। उंगलियों ने उसे जकड़ लिया आक्षेप पूर्वक। बेंगल ने जोर से खींचा, उसके अपने पैर खींच गए खतरनाक रूप से किनारे के पास। एक पल के लिए उसने कोई संकेत नहीं दिया दबाव, फिर पानी के ऊपर हाथ से गोली मार दी गई। बीगल के सिर तक खून फैल गया, उसका दम घुट गया था। ऐसा आभास हुआ कि स्ट्रेट ने उसे अपनी दहाड़ती हुई पकड़ में ले लिया था और उसने कुछ नहीं देखा। फिर धुंध छंट गई, हाथ और बांह करीब थे, हालांकि शरीर का बाकी हिस्सा अभी भी छिपा हुआ था फोम द्वारा। बीगल ने फैली हुई आंखों से बाहर देखा, एक अनोखे उपकरण के कफ लेंथ में कम रोशनी का पता चला। शाखा को पकड़ने वाली उंगलियां उतनी ही परिचित थीं। बीगल फिसलन वाले पत्थरों को भूल गया, अगर वह भयानक मौत हो जाती बहुत आगे बढ़ गया। उन्होंने जोशीले इरादे और ताकत से खींचा, स्मृतियां उसके मस्तिष्क की गर्म रोशनी में प्रवाहित हो उठी, जैसा कि सोचा जा रहा है, तेजी से एक दूसरे की एड़ी पर चढ़ना दूबना। उसके जीवन के अधिकांश सुख, अच्छे और बुरे, इस दोस्त के साथ किसी तरह से पहचान की गई थी। कॉलेज के दृश्य यात्रा के दिन, जहां उन्होंने जानबूझकर रोमांच की तलाश की थी और अधिक अवसरों पर एक दूसरे और मृत्यु के बीच खड़े रहे एक से बढ़कर एक, घंटों का आनंददायक साथ कला के खजाने और आनंद की खोज में अन्य चमक उठे। बहुरूप दर्शक के बदलते कणों की तरह बीगल ने प्यार किया था कई महिलाएं, लेकिन वह इन क्षणों में उल्लंघन कर गया होगा यह विचार कि उसने कभी किसी महिला से उतना प्रेम किया था जितना उसने प्रेम किया था ब्यार्ट गिफोर्ड। वहां बहुत सारी आकर्षक महिलाएं थीं दुनिया, और अपने जीवन के 32 वर्षों में उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह किसी अन्य व्यक्ति को जानता था जिसे वह अपना अंतरंग संबंध देने की परवाह करता था, दोस्ती। उसने अपने आप को उसके चेहरे पर फेंक दिया, उसकी कलाइयां फट रही थी, उसके हाथों की चमड़ी उधर गई, उंगलियां अभी भी छड़ी को पकड़े हुए थी, उनमें अभी जान बाकी थी। अचानक कुछ रास्ता दिखा, हाथ घूम गया, बेंगल की पकड़ से शाखा को तोड़ना। शव हो चुका था, मुक्त हो गया और बाहर की ओर बह गया, हालांकि अभी भी पानी में डूबा हुआ है फोम और स्प्रे। बेंगल अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चट्टानों पर उछल पड़ा, ये जानते हुए कि सक्शन से खतरा टल गया है और गिफ्ट को सीधे शांत पूल में ले जाना चाहिए। गिफर एक था पानी में मछलियां और अधिकांश मनुष्यों की तुलना में पानी के नीचे अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं। यदि वह इससे बच गया तो ये पहली बार नहीं होगा कि उसकी गोली मारी गई हो और विज्ञान ने उसे डूबने से बचा लिया था। बीगल पूल तक पहुंच गया, एक आदमी अपने शाम के कपड़े में उस पर तैरते हुए, उसका चेहरा एक उभरी हुई चट्टान की ओर मुड़ गया जिससे उसका हाथ शरीर को संभालते हुए गिर गया था। वह हाथ चट्टान पर लटकी हुई शाखा को पकड़ लिया था, उसकी सफेद पुनः काले पानी में दिखाई दे रहा झुकाव। बीगल इसमें डूब गया उथला तालाब, गिफोर्ड को अपनी बाहों में उठाया और किनारे पर लौट आया। उसने शव को नीचे लिटाया और अपना कोट उतार फेंका, जैसा कि वह हो सकता था पुनर्जीवन के तरीकों का अभ्यास करने के लिए अधिक स्वतंत्र। वह खुश था पल भर की राहत का, मनुष्य में वीरतापूर्ण जीवन हो सकता है, उस आखिरी संघर्ष में थक गया हूँ। उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई उसके चेहरे पर, उसके कान हृदय पर लगाने के लिए। झिझक बनी रही, लेकिन एक पल खोने का कोई समय नहीं था। वह अपने साष्टांग मित्र की ओर मुड़ा, जैसे ही उसने ऐसा किया कुछ अजीब और अप्रिय ने उसके होश उड़ा दिए। आधे पल के लिए उन्होंने इसकी प्रकृति की सराहना नहीं की, तभी उसके दांत बजने लगे एक साथ,
उसके पैर, उसकी फैली हुई भुजाएं उसकी ओर इशारा कर रही थी जंगल। परंतु वह उस मनुष्य की ओर उछला और झुक गया और उसके चेहरे की ओर देखा। कोई चेहरा नहीं था।